बिक्री पर बैन लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चला रखा था धंधा। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी कर रहे थे हलाल सर्टिफाइड। तो मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई हो सकती है, बैन लगने की भी यहां पर बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर लग सकता है बैन। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जी मीडिया संवाददाता नीतीश का। नीतीश, क्या अपडेट है, बैन लगने की बात कही जा रही है? निश्चित तौर पे जिस तरह से गोरख धंधा फैला रखा था हलाल सर्टिफाइड लोगों को ये देने के लिए, और हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गोरख धंधा है पनपने की उम्मीद थी, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के सामने जब ये मामला पहुंचा है तो अब इस पर सूत्र ये बता रहे हैं कि इस पर रोक लग सकती है। हलाल सर्टिफाइड जो भी उत्पाद है उनकी बिक्री पर रोक लग सकती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी के फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि जल्द ही ये फैसला सामने आ सकता है कि इस्लामिक कानून के अनुसार तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री पर उत्तर प्रदेश में रोक लग सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, गंभीरता यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर बात कही जा रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से गोरख धंधा सामने आने की बात हुई थी, अगर बात करें तो जो कंपनियां थी वो हलाल सर्टिफाइड जो कंपनियां थी उन्होंने सर्टिफिकेशन करने का पूरा धंधा बना लिया था, और इस पर कई ऐसी चेन सामने आई है जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आपको बता दूं, सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, आधिकारिक तंत्र को भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, और अब बस कुछ ही समय में इस पर कार्रवाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। बस इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से इस्लामिक कानून के अनुसार ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन का गोरख धंधा चल रहा था, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से कवायद भी चल रही थी, लेकिन अब ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जल्द ही इस पूरे मामले पर रोक लगाई जा सकती है। इस पूरे अगर हलाल सर्टिफिकेशन की बात करें तो बड़े एक्शन की तैयारी और ऐसे में बैन की भी बात कही जा रही है। नीतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।